आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत में कल दोपहर करीब 3 बजे एक शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। बता दें कि लक्ष्मीपुर क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की, काल्पनिक नाम मुन्नी कुमारी, उम्र करीब 5 वर्ष बताया जा रहा है, उसके अपने सगे चचेरे भाई द्वारा दुष्कर्म किया। पीड़ित के पिता विकास शर्मा ने बताया कि मैं अपने खेत में हल जोतवाने गया था और मेरी पत्नी अपने बच्चे को छोड़कर राशन की दुकान से सामान खरीदने गई। इसी बीच आरोपित का नाम सचिन शर्मा ने मौके का फायदा उठाकर बच्ची को अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। घर वापस लौटने पर बच्ची ने बताया कि पेट में दर्द हो रहा है, इसको देखते हुए उसे पेट दर्द का इलाज करवाया। लेकिन बाद में बच्ची ने अपनी माँ को बताया कि हमारे साथ सचिन भैया ने गलत काम किया है। वहीं पीड़िता के पिता ने बताया कि सचिन मेरे भैया का लड़का है। परिजनों का कहना है कि लक्ष्मीपुर थाने में रिपोर्ट के बाद आरोपित के खिलाफ कार्रवाई कर जमुई थाना भेजा। पीड़िता का व परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि आरोपित को सजा मिलनी चाहिए और जेल भेजा जाए। वहीं SDPO डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कल दिनांक 12/10/20 को संध्या में मोहनपुर गांव की एक महिला के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराया गया महिला थाने में, जिनमें उन्होंने कहा कि उनके 5.5-6 वर्ष की बच्ची है, उनके साथ उन्हीं के एक रिश्तेदार को चचेरा भाई लगेगा उस बच्ची में, उसके बाद दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, दुष्कर्म उनके साथ किया गया है। ये सूचना पर प्राप्त होते हैं अविलंब जो है उनके साथ पति भेजा गया और जो पीड़िता है उनका मेडिकल इलाज कराया गया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अभी थी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। और क्या फास्ट कोर्ट ट्रैक या पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? जी, ये पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और इसको बिल्कुल स्पीडी ट्रायल में हम लोग लेकर जाएंगे और 6 घंटे के अंदर जो है उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया। हम गए थे खेत और हर जोताने के लिए, मेरा वाइफ था घर में और ये इसको बुला के लेके चला गया घर में, मैंने पीछे एक बरंडा है उसमें बुला के लेके चले गए। उसके बाद जो है ना मेरा भतीजा तो इसके साथ गलत गलत काम किया, इसका मम्मी बोला कि जो है ना पेट में दर्द कर रहा है या कोई भी टैबलेट वबलेट खा लिया, तो बोला कुछ नहीं मम्मी हम कुछ नहीं खिलाइए हमारा कुछ उन। बाद में फिर यही बच्ची बोला है कि जो है ना मम्मी एक बात बताएं, बोल बेटा, तो बोल के कि देखिए सचिन भी हमारा साथ है, शंका शंका करके पैंटा हो, बस इतनी सी बात। सचिन क्या नाम है उसका? सचिन कुमार शर्मा। क्या लगता है आपका भतीजा? वो आपके आप अगल बगल रहता है या फिर आपके घर में ही रहता है? नहीं, जैसे बंटवारा हो गया है 3 कुटी लग चुका है, तो जैसे हम अलग है वो अपना से नहीं, सब सेपरेट सेपरेट है। आपका क्या नाम? मेरा विकास शर्मा। घर कहाँ? मानपुर। बच्ची का क्या नाम? प्रियंका कुमार। सचिन है? सचिन कुमार। जिसके साथ तुम किए हो ये दुष्कर्म कौन लगती है तुम्हारी? तुम्हें शर्म नहीं आया ये कर्म करते हुए? तुम्हारी बहन है? हाँ? तुमको अपनी बहन का याद नहीं आया ये सब करते हुए? क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? हाँ? जोर से बोलो। अनिल शर्मा। अनिल शर्मा, कहाँ घर है तेरा? कहाँ लेके गया था उसको? सच सच बता दो, ठीक है? कहाँ लेके गया था? घर में सर हम खाना खाए हैं, तो हम खाना खा करके हम इधर आए, गर्म सोने के तो भी आए, वहीं पे सर को नहीं मिले। अच्छा, तो इसी के कारण थोड़ा हो गया। क्या थोड़ा हो गया? हैं?